हाय फ्रेंड नमस्कार, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों अगर आप एक यानी कि वीडियो क्रिएटर है, दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर यानी कि वीडियो अपलोड करते हैं, तो सर्वप्रथम आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी वीडियो को आप पब्लिक कैसे करेंगे। दोस्तों खासकर ये अक्सर ये नए यूट्यूबर जो होते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता कि वीडियो हम किस तरह से पब्लिक करें, यानी कि पब्लिक करें ताकि हमारे वीडियो पर अच्छे खासे यानी कि व्यूज आए और सब्सक्राइबर भी बढ़ें। तो दोस्तों कुछ ऐसे यानी कि यूट्यूबर होंगे तो भाई ये बोलेंगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बना है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे खासकर नए यूट्यूबर का, खासकर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का, खासकर नए यूट्यूबर को पता नहीं रहता किस तरह आप अपने वीडियो को पब्लिक कैसे करेंगे, कैसे अनलिस्टेड में कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर मैं आज किस वीडियो के बारे में मैं बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग आप हमारे चैनल पर बने रहना। तो दोस्तों देख लेना एक साइड में, डिस्प्ले चल रहा है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। 100% आप इसी तरह से आप किसी भी यानी कि वीडियो को आप पब्लिक कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वप्रथम इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी YT स्टूडियो। इस तरह से आप अपना YT स्टूडियो इस तरह से आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे यानी कि कंटेंट्स पे चले जाना है, वीडियो वाले ऑप्शन पर। दोस्तों ये आपको तमाम ऐसी वीडियो आपको देखने को मिल जाए जो भी आपने वीडियो अपलोड किया है, आप अपने चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया है। तो इस तरह से अगर पब्लिक होगा तो ये गोला सा निशान, ये पृथ्वी जैसा निशान आपको देखने को मिलेगा, और अनलिस्टेड होगा यहीं तो दोस्तों यहीं पर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप ओपन कर लेना, ये आपकी वीडियो इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको यानी कि दो तीन प्रकार की आपकी आपको यानी इसमें बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आप पब्लिक कैसे करना है, कैसे अनलिस्टेड आपको करना है, तो कैसे आपको ये पूरा A to Z प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर इस तरह से आप ओपन हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक पेंसिल का निशान दिखाई दे, इस पर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद विजिबिलिटी, इस पर आप ओके कर देंगे। इसमें आपको यानी कि तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आ गया पब्लिक, और दूसरा ऑप्शन आ गया अनलिस्टेड, और तीसरा ऑप्शन आ गया प्राइवेट। दोस्तों इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, जैसे कि आप कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हैं, जैसे कि आपने अपने चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद कुछ ऐसे टाइमिंग होता है तमाम ऐसे यूट्यूबर होते हैं कि हम फले टाइमिंग पर अपनी वीडियो पब्लिक करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग अनलिस्टेड कर लेते हैं। अनलिस्टेड यानी कि आपकी वीडियो अनलिस्टेड में रहेगी, आपकी वीडियो किसी भी पब्लिक में प्लेस में शो नहीं होगी। और तीसरे नंबर उसके बाद प्राइवेट, एक ऑप्शन होता है प्राइवेट, ओनली आपको प्राइवेट रहेगी वीडियो, किसी भी बंदे के पास ये वीडियो आपको आपकी जाएगी नहीं। तो दोस्तों ये पहले नंबर दोस्तों कि आपको क्या यानी कि पब्लिक करना है, जैसे कि खासकर नए यूट्यूबर होते हैं क्या करते हैं अनलिस्टेड पे ही अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं हमारे चैनल पर क्यों व्यूज नहीं आ रहे। दोस्तों ऐसा है यानी कि अनलिस्टेड पर अगर आप कर देंगे अपलोड तो आपके चैनल पर केवल आप ही देख सकते हैं, या फिर किसी बंदे के पास, जिस बंदे के पास आप अपनी वीडियो की लिंक भेजेंगे वही बंदा आपकी वीडियो देख सकता है। अनलिस्टेड में यही ऑप्शन होता है और प्राइवेट में भी यही ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से इस पर आप ओके कर देंगे तो अनलिस्टेड हो जाएगा, इस पर आप कर देंगे ओके करेंगे प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पब्लिक ही करना है, तो पब्लिक ही आप इस तरह से आप किसी भी वीडियो को आप पब्लिक कर सकते हैं। दोस्तों तो आई होप दोस्तों ये आपको ये थोड़ा मोड़ा लेटेस्ट खासकर जो नए यूट्यूब क्रिएटर हैं वो जान गए होंगे कि किस तरह से किसी भी वीडियो को अनलिस्टेड से पब्लिक में कैसे करना है, प्राइवेट से पब्लिक में कैसे करना है, किस तरह से करने से आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे और आपके अधिक से अधिक ऑडियंस जुड़ेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे।